हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लैन गिफ्ट टॉपिक के ऊपर। गाइस, ये कोई सीओसी से रिलेटेड वीडियो नहीं है। जस्ट यहाँ पर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ मेरे सारे यूट्यूबर व्यूवर्स को, भाइयों को, या फिर वो यूट्यूबर भी हो सकते हैं, सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ क्लैन गिफ्ट की रियलिटी गाइस क्या है। आप सभी अभी देख रहे होंगे यूट्यूब का क्लैश ऑफ क्लैन का ट्रेंडिंग जो टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ ना, वो क्लैन गिफ्ट है। बट गाइस, इसके पीछे की रियलिटी अभी तक लोगों को पता नहीं पड़ रही है। मतलब मेरे जो व्यूवर्स है, रेगुलर मेरे पास मेल आते हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, भाई मेरा क्लैन हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे को कई जन हैं जिनके पास मेरे कॉल नंबर है, वो मेरे को कॉल करके बोलते हैं मेरा क्लैन किसी ने हैक कर लिया, वो दे नहीं रहा। तो इस तरह के रेगुलर मेरे को मैसेज मिलते हैं एंड मैं काफ़ी इस चीज़ से, मतलब आप देख सकते हो, मेरे को खुद को बुरा लगता है। गाइस, जो क्लैन गिफ्ट की रियलिटी गाइस क्या होती है, जस्ट आप समझिएगा। अगर आप यूट्यूबर हो तो गाइस बुरा मानने वाली बात नहीं है, जस्ट मैं आपको एक ओपिनियन देता हूँ मेरा। क्लैन गिफ्ट करने से आप जो ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो गाइस, वो ऑडियंस किस काम की है मेरे को जरा ये बताइएगा कमेंट करके, एंड मैं बताता हूँ गाइस। अगर आप क्लैन गिफ्ट से अपनी ऑडियंस जनरेट कर रहे हो तो वो किस चीज को देखकर आपके चैनल पर आई है, क्लैन गिव अवे को देखकर आपके चैनल पर आई है, और किसी चीज को देखकर वो आपके चैनल पर नहीं आई है। तो गाइस, अगर आप आगे वीडियो आगे चलकर ये सोचते हैं कि मैं केवल अभी बूस्ट ले रहा हूं चैनल पर, जब मेरे पास 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं क्लैन गिफ्ट छोड़कर मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, तो भी गाइस आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आप जो क्लैन गिफ्ट कर रहे हो, अपने खुद के क्लैन दे रहे हो, वो तो ठीक है, पर फिर जो वो ऑडियंस होगी वो आपकी लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखेगी, उनको केवल फ्री क्लैन गिव अवेज, इनसे मतलब है। जो भी ऑडियंस आप क्रिएट करोगे वो आपके किसी काम की नहीं होगी गाइस। आप भले कितनी ही मेहनत कर ले क्लैन गिफ्ट कर करके, अपने भले आप 10,000 सब्सक्राइबर कर ले, बट जो वो ऑडियंस होगी वो आपके लिए सपोर्टिव ऑडियंस नहीं होगी, वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी गाइस, ये बिल्कुल निश्चित है। अगर आप क्लैन गिफ्ट कर करके ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो, वॉचिंग ला रहे हो, तो वो वॉचिंग किस काम की, जब आप अपने सपोर्टर यूट्यूब पे क्रिएट नहीं कर पा रहे। जितने ज़्यादा अगर चैनल पर सपोर्टर होते हैं उतना ही जल्दी चैनल ग्रो करता है गाइस, ये रियलिटी है। तो गाइस, मेरा यही मानना है अगर कोई क्लैन गिफ्ट करता है तो अपना टाइम खराब कर रहा है, अपने क्लैन दे रहा है। एंड गाइस, ये तो एक चीज़ थी जो मैंने यूट्यूबर्स के लिए बताई कि क्लैन गिफ्ट करने से जो ऑडियंस होती है वो फेक ऑडियंस क्रिएट होती है, जो मतलब आपकी कोई भी वीडियो वॉच नहीं करेगा, बहुत ही कम हो गए जो आपकी वीडियोस वगैरह वॉच करेंगे एंड आपकी वीडियोस में इंटरेस्ट लेके आपकी वीडियोस को वॉच करेंगे, आपके चैनल का वॉच टाइम बढ़ाएंगे। तो ऐसी ऑडियंस आपके पास चैनल पर बहुत कम होगी, भले आप सब्सक्राइबर गेन कर ले कितने भी। एंड अब मैं जो बात करता हूँ मेरे व्यूवर्स की, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, क्या होता है गाइज, आप अगर न्यू यूट्यूब पर आते हो तो आप सभी सोचते हो मैं मेरे किसी एक यूट्यूबर को क्लाइंट दे देता हूँ, मेरा वो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा देगा, और फिर आप उसको क्लाइंट का लीडर बना देते हो, पहले बिना कुछ सोचे समझे क्लाइंट का लीडर आप दे देते हो, तो आपका वो क्लाइंट चला जाता है। फिर वो उस जो भी यूट्यूबर क्लाइंट गिफ्ट कर रहा है उसके ऊपर होता है वो आपको सब्सक्राइबर दे या ना दे। अधिकतर मैंने केसेस में देखा है कई ऐसे लोग हैं जो क्लाइन लेकर भी जो बात करते वो पूरा नहीं करते एंड धोखा दे देते अपने व्यूवर्स को, जो क्लाइन देते हैं उनको, उनका क्लाइन ले लेते हैं एंड उनके चैनल के ना सब्सक्राइबर बढ़ाते, फिर अगर आपके पास उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं वो ब्लॉग में डाल देते एंड जो भी क्लाइन देते वो फिर परेशान होते रहते। ऐसा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी क्लाइन गिफ्ट के केसेस में, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, बहुत जनों के क्लाइंट लिए गए। मैं किसी भी एक यूट्यूबर को टारगेट करके नहीं बोल रहा, अगर कोई सुन रहा है मेरी बात तो गाइस ऑफेंड मत होना, कोई भी, मैं किसी भी यूट्यूबर को नहीं बोल रहा गाइस, मैं किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को नहीं बोल रहा, मैं जस्ट कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी चल रहा है। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, मैं काफ़ी दिनों से रुका हुआ था कि मेरे को नहीं बनानी, पर फिर गाइज मेरे पास डेली के 2-2, 3-3 ऐसे कॉल आते हैं जिसमें मेरे को बोलते मेरा आईडी हैक हो गया, मैंने इस यूट्यूबर को दिया, उसने मेरा आईडी ले लिया, अब उसने मेरे को ना सब्सक्राइबर दिए ना कुछ दिया। तो गाइज, जो भी आप क्लाइन लोग देते हो, यूट्यूबर्स के पास क्लाइन कहाँ से आते हैं गाइज, पब्लिक, जो उनके व्यूअर्स है, ऑडियंस है, वो उनको क्लाइन देती है, वो इस लालच में क्लाइन देती है कि उनको कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। पर गाइस, रियलिटी ये है, अगर आपने किसी को क्लाइंट दिया
दिया भी, उसने आपको सब्सक्राइबर भी दे दिए, मान लो लेवल 5 के क्लैन के 100 सब्सक्राइबर आपको दिए, तो गाइस वो 100 सब्सक्राइबर किस काम के? जैसे वो किसी को क्लैन का लीडर बनाएगा उसके बाद डेफिनेटली 10 से 20 ऐसे बंदे होंगे जो आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, और जिन्होंने बाकी ने सब्सक्राइब करा होगा वो आपकी वीडियो क्यों वॉच करेगा जब आपको उसको आपका कंटेंट ही नहीं पसंद? आपके कंटेंट अगर देखकर कोई चैनल पर आता है तो वही जो ऑडियंस होती है, वही रियल ऑडियंस होती है, वही आपकी वीडियोस को वॉच करती है। तो वो जब जो आप सब्सक्राइबर लेते हो वो होते हैं फेक सब्सक्राइबर, उसके वो केवल एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है, वो आपकी ना वीडियो देखेगा, आप कुछ भी डाल लो चैनल पर आपका ज्वाइन नहीं करेगा, वो जस्ट अपना फायदा देखकर आए थे, केवल उनको क्लाइंट गिफ्ट से मतलब था, उनको क्लाइंट चाहिए था इसलिए उन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। तो कोई भी मेरा व्यूअर हो वो अपनी मेहनत करो, अपने चैनल पर कंटेंट लाओ, सीओसी में बहुत कंटेंट है, कमी नहीं है। आप लाइव वॉर करो, लाइव लूट करो, फार्मिंग करो, लाइव अटैक डालो, टैग स्ट्रेटजी बेसिस, इतना सब कुछ है। उनके बदौलत जो ऑडियंस क्रिएट होगी वो ओरिजिनल ऑडियंस होगी, जिसको लेकर आप आगे कहीं जा पाओगे, आपका चैनल ग्रोथ आगे चलकर बढ़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक महीने में 10,000 सब्सक्राइबर कर लूंगा तो गाइस ये इम्पॉसिबल होता है, इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो वो भी क्लैश ऑफ क्लैन का, तो आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हो, 1 ईयर ऑलमोस्ट लग जाते हैं गाइस केयू को 5K सब्सक्राइबर क्रॉस करने में, गाइस ये रियलिटी है। एंड जो इनकम की बात करते हैं, गाइस इनकम नहीं है यूट्यूब पे, मेरी अभी तक फर्स्ट पेमेंट भी क्लियर नहीं हुई है, मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है क्लैश मतलब यूट्यूब पर रेगुलर लाइव वीडियोस डालते हुए, एंड मेरी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मोनिटाइजेशन ऑन हुए हुए भी 3-4 महीने हो चुके बट उसके बाद भी नहीं हुई है ऑन। तो कोई ये देखकर आता है यूट्यूब पर कि पैसे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, तो गाइस अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरा जस्ट आपको यही कहना है कि आप अपनी स्टडीज पे फोकस करो, आप अभी यूट्यूब पर मत फोकस करो। यूट्यूब के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, अभी आप अपनी जो स्टडीज है उनको खराब मत करो यूट्यूब के पीछे। तो यही मेरा स्टूडेंट से कहना है, वो अभी अपनी स्टडीज पे फोकस करें, ओनली फॉर स्टडीज, अभी स्टडीज करें, जब ट्वेल्थ हो जाए, जब कॉलेज में आ जाओ, आपको लगे आपके पास टाइम है तब आप यूट्यूब पर आइए। यूट्यूब कहीं जाने वाला नहीं है, बट जो आपकी लाइफ है, जो आपकी स्टडीज है वो अभी है, तो आप उनको करिए। तो गाइस ये वीडियो मेरे को पता है थोड़ी लंबी हो गई, बट जो भी मैंने समझाया, अगर आप में से कोई भी समझता है, एक भी समझता है, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना बिल्कुल सही रहेगा। अगर एक भी मेरी बात से सहमत होता है, तो अगर आपको लगता है जो कुछ भी मैंने बताया आप उससे सहमत करते हो, आपको वो सही लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको सही नहीं लगता, मेरी कोई भी बात अगर आपको गलत लगती है कि मैंने गलत बोल दिया, तो आप जरूर से डिसलाइक दीजिएगा वीडियो को। इससे जस्ट मेरे को पता पड़ेगा कितने जनों को मेरी बात जो मैंने बताई वो सही लगी या कितनों को वो खराब लगी। तो क्लाइंट गिफ्ट के भरोसे आगे जाना यूट्यूब पर इम्पॉसिबल है, आप फेक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे गाइज। उसके लिए आप क्लाइंट क्या, कितनी ऐसी चीजें हैं जो फेक ऑडियंस क्रिएट करके दे देती है, 1,000 रुपए दो आपके 10,000 सब्सक्राइबर करा देते, ऐसे ऐसे भी जने हैं, बट वो ऑडियंस फेक होती है, ना आपके व्यूज आएंगे ना कुछ होगा, तो क्या मतलब उस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर का? तो फेक ऑडियंस क्रिएट ना करें, एंड मेरा तो यही कहना है। तो क्लैन गिफ्ट को जितना जल्दी हो सके कम से कम करें, अगर आपको लगता है आपको करना है क्लैन गिफ्ट तो आपकी मर्जी भाई, ये इसमें मैं बोलने वाला कुछ नहीं होता, आपकी मर्जी, जो यूट्यूबर है वो उनकी मर्जी, वो क्लैन गिफ्ट करे ना करे, बट जो ऑडियंस है जो उनको क्लैन देती है वो क्लैन तो उनकी मर्जी से देते हैं ना, तो वो अगर नहीं दोगे आप तो ऑटोमेटिकली क्लैन गिफ्ट रुक जाएंगे। तो आप सभी अब समझिए, क्लैन गिफ्ट को अब रोकना तो केवल जो सीओसी के व्यूवर्स है, वॉचर्स है, जो लाइव देखते हैं उन सभी पर है, तो इसमें कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको रोकना है तो आप क्लाइंट देना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली क्लाइंट गिफ्ट रुक जाएगा। तो जस्ट मेरे यही थिंक थी क्लाइंट गिफ्ट पर, इसीलिए मैं नहीं करता था क्योंकि मेरे को पता है वो ऑडियंस जो होती है वो फेक क्रिएट होती है। तो मेरा यही कारण था, मेरे को कितने ही लोग कहते थे कि क्लाइंट गिफ्ट करो राणा भाई, क्लाइंट गिफ्ट करो, मेरे को नहीं करना। एंड यहां पर मैं बताऊं, मैंने एक बार ट्राई भी करा था, जस्ट जब मेरा चैनल पर वॉचिंग नहीं था तो मैंने एक बार जस्ट ट्राई करा था, एक क्लाइंट गिफ्ट मैंने मेरे चैनल पर किया था। अगर किसी को रियलिटी नहीं पता तो मैं सच बताता हूं, एक क्लैन गिफ्ट मैंने अपने चैनल पर किया था, एंड उससे मेरे चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक भी आई थी। तो ये रियलिटी है, मेरे खुद के चैनल के साथ हुआ है, वो एक क्लैन गिफ्ट के मैंने उस स्ट्रीम को डिलीट, वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने टेकडाउन कर दी थी, एंड उसमें मैंने केवल क्लैन गिफ्ट करा था, तो वो क्लैन लेवल 5 ऐसे कुछ का था, मैंने दे भी दिया था, जो भी विनर हुआ था आई डोंट नो कौन हुआ था। तो मैं आगे से मैंने ठान ली थी कि मैं कभी क्लैन गिफ्ट नहीं करूंगा किसी के मेरे चैनल पर, एंड में औरों को भी सलाह यही दूंगा कि वो भी क्लैन गिफ्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके चैनल के साथ। तो जस्ट मेरी थिंकिंग यही थी। एंड यार आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक डिसलाइक का मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।